सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी समय हो रहा है सुबह का 7 बजे का, और मैंने यहाँ पर जो है गिलके निकाल कर रखी है, और एक साइड में मैंने दूध भी बॉईल आने रखा है चाय बनाने के लिए। यहाँ पर मेरी गिलकी कट भी हो गई है और मैंने उसे तड़का लगा दिया है, जिसमें मैं अभी सारे मसाले डाल रही हूँ उसमें। अभी मैं लहसुन को छीलकर और नीचे ही भूल गई थी उसको डालना, उसको मैंने ऑयल में नहीं डाला था, तो अब मैं लहसुन को डालूंगी। अब मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लगाऊंगी आटा। अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ नमकीन पराठे, इसीलिए मैं इसके अंदर सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो सारे इसमें डाल दिए हैं, और अब मैं वहाँ से निकालूँगी जीरा। इसमें मैं जीरा, सौंफ, अजवाइन, हींग सभी चीज़ें डालूंगी। तो यहाँ पर मैं जो है अजवाइन मैंने ले ली है, और उसको अपने हाथों से अच्छे से क्रश करके डालूंगी, क्योंकि अगर हाथों से क्रश करके अजवाइन डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं एक चुटकी हींग भी डाल दिया। और यहाँ पर मैं फिर से कुछ बघा रही हूँ, तो वो मैं बता दूँ आपको कि जो रात की बची हुई रोटी होती है, मैं उसी का जो मैंने मिक्सर में पीस ली है और उसके मैं है पोहे बना रही हूँ, जिससे कि सुबह सुबह का जो है नाश्ता हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरा सारा काम हो चुका है, अब मेरे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। अब मैं फिर से यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स लोग आएंगे उनके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आलू बॉईल होने रखूँगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ इससे साबूदाने की टिकिया। तो टिकिया के लिए मैं आलू बॉईल होने रखूँगी, और मैंने साबूदाने सुबह ही गला दिए थे। इसके बाद मैं जाऊँगी शावर लेने। शावर ले लिया है, और अभी समय हो रहा है सुबह का 11:30 बजे का, और सब लोग जा चुके हैं। तो अब हम शावर लेके चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या बनाएंगे थोड़ा सा कुछ खाने का। तो चलिए, यहाँ पर चल रही है साबूदाने के वड़े की प्रिपरेशन, और अब हम बनाएंगे साबूदाने के वड़े। अब हम करेंगे पूजा,
आप देख सकते हैं मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी, ये मैंने इसमें सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और मैंने यहाँ पर आधा कटा हुआ नींबू रखा हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर दही में चीनी मिला के इसको भी मिक्स करके रख दिया है। मैंने यहाँ दही बड़े का बैटर बना के रखा हुआ है। आटा आपने देखा था, आटा मैंने लगा के रखा है, आटा पूरा गल जाएगा जब तक। और अब हम करेंगे पूजा। यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स लोग बाहर आ चुके हैं जिनके लिए मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा, और जो दही बड़े हैं वो भी पूरे रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग बाहर खाना खा रहे हैं। खाना वगैरह हो चुका है हमारा और यहाँ पर हम लोगों ने की थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि इनके जाने का भी समय हो चुका था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम का खाना। मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो सबको ही जा चुके थे और अभी मैं यहाँ पर शाम का खाना बना रही हूँ।